भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के और जो संगठन सशक्तिकरण हम लोगों का चल रहा है उसमें कई सारी चीज़ें तय हुई थी कि 10 अक्टूबर तक सभी लोगों को प्रखंड की कमेटी दे देनी है। जूम बैठक में आज ये तय हुआ कि लगभग बहुत सारी कमेटी आ गई है प्रखंड की, बावजूद अभी कम से कम 25-30% कमेटी नहीं आई है। तो उसके संदर्भ में कहा गया कि जल्द से जल्द, चूँकि जब हम भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कार्य ये भी है कि हम अपने प्रखंड कमेटियों से कितने लोगों को जोड़ रहे हैं, वो भी जोड़ने का काम है। तो वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, उसकी समीक्षा हुई है और वो हम ये कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चल रहा है। 25 जिलों की जो हमारी यूनिट है संगठन का, कि उसमें पदयात्रा कैसे करना है, कब करना है, चार्ट तैयार हो गया, सभी लोगों की सहमति मिल गई कि आप इस तारीख को हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो वो एक दिवसीय जो 10 से 15 किलोमीटर तक की कई लोगों ने यात्रा की बात की है तो वो करना है। आदरणीय हमारे जो भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं सुबोध कांत सहाय जी, आदरणीय आलमगीर आलम साहब CLP लीडर और तमाम जो राज्य के मंत्री कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, संयोजकगण हैं, सभी लोग इस यात्रा में शामिल होने का प्रयास करेंगे। खास करके जिनका जो प्रभार जिला है, कार्यकारी अध्यक्ष हो चाहे मंत्रीगण हो, उसमें वो जरूर उपस्थित रहें ये कहा गया है। और आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो प्रखंड के साथ साथ मंडल कमेटी भी जल्द से जल्द पूर्ण कर ली जाए, उसका भी हम लोगों ने खाका तैयार कर लिया। और जब प्रखंड कमेटी बन रही है उसके साथ ही मंडल कमेटी की भी तैयारी चल रही है, तो बहुत जल्द इन सारी चीज़ों को पूरा करके हम लोग जो एक विधानसभावार पदयात्रा करना चाहते हैं उसकी भी शुरुआत परसों से ही कई विधानसभा क्षेत्रों में कही गई है कि हम शुरुआत कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र कहने का मतलब कि वो पंचायत, वो बूथ स्तर पर सभी जगहों पर शुरुआत हो जाएगी। और 3 तारीख से हम लोग LED वैन के माध्यम से भी जो राहुल गांधी जी की यात्रा है उसको आम जनों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए LED वैन की व्यवस्था की गई है, ये आप जानते हैं झारखंड में थोड़ी दिक्कत होती है, बावजूद LED वैन की व्यवस्था की गई है। सभी प्रमंडल में एक एक LED वैन भेजी जाएगी जो लगातार सभी चौक चौराहों पर जो हाट बाज़ार लगते हैं उसमें वो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों में उत्साह है और किस तरह से हम नफ़रत को मोहब्बत में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही हम लोगों का ध्येय है। हम समझते हैं कि इस जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम सफल होंगे। और बीच में हम लोग 15 तारीख जो हमारा स्थापना दिवस है उसको करने के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा में भी हम लोग शामिल होने जाएंगे, जिसकी भी तारीख तय कर ली गई है। बहुत जल्द हम लोग PC करके उसकी जानकारी आपको देंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in